दोस्तों फाइनली कार्यपालक सहायक का रजिस्ट्रेशन का डेट जो आज समाप्त हो चुकी है। आप लोग का अब सीबीटी एग्जाम होंगे। सीबीटी एवं टाइपिंग जो होने वाले हैं दोनों एक साथ होने वाले हैं। आगे आप लोग समझ लेंगे एग्जाम कब होने वाले हैं। मई फर्स्ट वीक में आप लोग का एग्जाम हो जाएंगे। पूरा उम्मीद है कि मई फर्स्ट वीक में आप लोग का एग्जाम हो जाएंगे। अब जो आप लोग तैयारी में लग जाइए। आगे आप लोग समझ लीजिए कितने नंबर का सीबीटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी एवं अंग्रेजी में कितने स्पीड मांगे जाते हैं बेल्ट्रॉन में, आगे आप लोग समझ लेंगे। और आप लोग को आगे हम 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवाइजिंग भी करने वाले, आगे आप लोग समझ लेंगे। और आप लोग को महत्वपूर्ण एक जानकारी बता दूँ, जो भी छात्र अभी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं आप लोग का हम कोर्स प्रोवाइड करवा चुके हैं। बेल्ट्रॉन का कोर्स जो भी छात्र लेना चाहते हैं कोर्स ले लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 40-45 नंबर आप लोग को 100% आपको कोर्स से आ जाएंगे गारंटी के साथ। जो भी छात्र कोर्स लेना चाहते हैं आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा। यहाँ पे समझ लीजिए बेल्ट्रॉन के जो प्रोसेस है, आगे आप लोग को टाइपिंग एवं हिंदी अंग्रेजी का जो टाइपिंग होंगे, सीबीटी क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाएंगे और उसमें आप लोग कितना प्रतिशत लाते हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे। जो भी अभी कार्यपालक सहायक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, यहाँ पर देखिए ये बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल लेटर है और यहाँ पर सभी डिटेल मेंशन किया गया। आप लोग का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएंगे, कितने नंबर आएंगे तो आप लोग को सिलेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा पर कार्य करने के इच्छुक रजिस्टर डीओ अभ्यर्थी की दक्षता परीक्षा हेतु सूचना, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की सूचना है। और जो भी अभी कार्यपालक सहायक है आप लोग का मर्ज हो चुका है बेल्ट्रॉन में, आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाले और TCS के द्वारा कंडक्ट करवाएंगे एग्ज़ाम, CBT एग्ज़ाम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे समझ लीजिए, प्रास्ताविक दक्षता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड CBT होगी। प्रथमतः अभ्यर्थियों के कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा होगी। परीक्षा 1 घंटे की होगी जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें उत्तीर्णता हेतु 50% लाना आवश्यक होगा। आप लोग का जो CBT क्वेश्चन में टोटल अंक जो रहने वाले 60 नंबर का अंक रहने वाले, ठीक है, और उसमें आप लोग 50% लाते हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे। मतलब आपको 60 में 30 नंबर लानी है तभी आप लोग क्वालिफाई करेंगे। और हिंदी एवं अंग्रेजी का जो टाइपिंग लिए जाएंगे, इंग्लिश में बाय डिफ़ॉल्ट वही फॉन्ट रहने वाले हैं और हिंदी में आपको रेमिंगटन जेल, जिसको हम मंगल फॉन्ट बोलते हैं, उस पर आप लोग को टाइपिंग लिए जाएंगे बेल्ट्रॉन में। तो फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में हम बहुत सारे वीडियो में जानकारी दे चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में भी एक वीडियो मिल जाएंगे, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें फ्री मंगल फॉन्ट पे आप लोग किस तरह से टाइपिंग करना है सभी डिटेल बता चुकी है। यहाँ पर देखिए आप लोग का जो टाइपिंग होने वाले 10 मिनट का टाइपिंग लिए जाएंगे, 10 मिनट हिंदी का और 10 मिनट अंग्रेजी का, तो ठीक है 10-10 मिनट का आप लोग को टाइपिंग लिए जाएंगे। और इंग्लिश में जो टाइपिंग का स्पीड मांगा जा रहा है यहाँ पर देख लीजिए 30 का स्पीड आनी चाहिए इंग्लिश में, और अंग्रेजी में जो है 25 का स्पीड होनी चाहिए तभी आप लोग क्वालिफाई करेंगे। बाकी यहाँ पर 50% और 10% जो है आरक्षण भी होते हैं, तो ये सब आपको नहीं जाननी है। आपका टाइपिंग जो है वो मजबूती रहना चाहिए अगर आप लोग बेल्ट्रॉन से एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसलिए आप लोग CBT पे ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि आप लोग जो क्वालिफाई हो जाएंगे। आप लोग तैयारी नहीं कर रहे तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, मई फर्स्ट वीक तक में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो जो भी छात्र रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं आगे आप लोग 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और आप लोग कोर्स लेके पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको कोर्स मिल जाएंगे। आगे आप लोग 40 क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद सेकेंड में आपको बताना है विंडोज में एक ओपन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होगा। आपको बताना है कि जैसे आप MS वर्ड या MS पावर पॉइंट को ओपन कर चुके हैं उसे क्लोज करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट कुंजी से बंद करेंगे उसे, ये आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है शिफ्ट एस्केप, एस्केप अल्ट, एस्केप अल्ट F4। इसका सही आंसर आपको D नंबर हो जाएंगे, अल्ट F4 कीजिएगा तो कोई भी रन एप्लीकेशन को आप उसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चार में आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में फॉन्ट का आकार टेक्स्ट का चयन करके और कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी डैश दबाकर बढ़ाया जा सकता है। आपको बताने कि MS पावर पॉइंट में कोई भी टेक्स्ट है उसका साइज आप बड़ा कीजिएगा तो वो कौन सा शॉर्टकट कुंजी से करेंगे, ये आपको बतानी है। सही आंसर आपको ये हो जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन कीजिएगा तो कोई भी साइज को जो आप कोई भी टेक्स्ट का साइज जो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चार में आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डैश का उदाहरण है। यहाँ पर लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डैश है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट क्या है ये आपको बतानी है। सबसे पहला है यूनिक्स एडिटर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो इसका सही आंसर आपको D हो जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। उसके बाद पांच में आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल में फार्मूला कॉपी करने के लिए सर्वप्रथम सेल को चुनना होगा, ये 100% करेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल में फार्मूला कॉपी करने के लिए सर्वप्रथम सेल को चुनना होगा, बस जो सेल में आपका टेक्स्ट है उसे चुनना ही पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही कोई आगे का प्रोसेस होगा।
और डैश डैश को दबाना होगा, फिर डेस्टिनेशन सेल में जाकर डैश डैश को दबाना होगा। आपको बताना है कि जैसे एमएस एक्सेल में कोई भी कॉलम है, इस कॉलम में कोई भी फार्मूला पहले से रन कर रहा है और दूसरा कॉलम हम चाहते हैं कि यही फार्मूला इसमें आ जाना चाहिए, तो ये कैसे होगा ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है ऑल्ट एप ऑल्ट पी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल ऐप और कंट्रोल पी, F5 F10। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे, कंट्रोल सी से दूसरा, पहले वाले कॉलम से आप कॉपी करके दूसरे वाले में पेस्ट कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे। उसके बाद इसमें बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में तालिका बनाने के लिए डैश डैश टैब पर क्लिक करके इसकी शुरुआत की जा सकती है, की जा सकती है, यहाँ पे छूट गया लेकिन यही होना चाहिए क्वेश्चन में। तालिका मतलब हो गया कि जो आपका जो एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें टेबल लेना चाहते हैं तो ये कौन सा शॉर्टकट कुंजी से लेंगे ये आपको बतानी है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट फाइल डिजाइन रिव्यू, तो इसका सही आंसर आपको ये हो जाएंगे, इंसर्ट में जो है टेबल का ऑप्शन रहता है, ठीक है। उसके बाद साथ में आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी दबाएंगे। इसमें आपको बताना है कि एमएस पावर पॉइंट में कोई भी स्लाइड को रन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी दबाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है F5, ऑल्ट F5, कंट्रोल F5 और शिफ्ट F5। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएंगे, लेकिन इसमें यह भी झमेला रहता है कि F5 से भी आप लोग रन करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जाए वर्तमान स्लाइड से, वर्तमान स्लाइड शो मतलब आप एमएस पावर पॉइंट में कई सारे स्लाइड ले चुके हैं तो आप F5 की जगह तो पहला जो स्लाइड है वो रन होके वो जो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो बारीकी से जो है सभी स्लाइड रन नहीं करेगा, ये आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। लेकिन शिफ्ट F5 की जगह तो आप जितने भी स्लाइड ले चुके हैं तो सभी स्लाइड में कुछ ना कुछ लिखा रहेगा तो सभी स्लाइड जो आपका रन करेगा, ठीक है, बारीकी से जो आगे पीछे सभी स्लाइड रन करेगा। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को ये क्वेश्चन को ध्यान में रखनी है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगर आप लोगों को आंसर में F5 और शिफ्ट F5 रहता है तो शिफ्ट F5 लगाइएगा, और यहाँ पर अगर ए एवं डी दोनों रहता है तो आपको डी नंबर ऑप्शन लगाना, ठीक है। F5 से भी रन करवा सकते हैं और शिफ्ट F5 से भी करवा सकते हैं, तो जब भी आपका शिफ्ट F5 रहेगा तो आप लोग डी नंबर आंसर लगाइएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएंगे। उसके बाद आठ में आपको बताना है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक कॉलम चुना, मतलब एक कॉलम पहले से चुना हुआ है, अब आपकी चयनित कॉलम को छिपाने के लिए आप क्या करते हैं। मतलब कोई भी कॉलम जो पहले से सेलेक्ट किया हुआ है उसे हम हाइड करना चाहते हैं, कौन सा मेन्यू से करेंगे ये आपको बतानी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है यह नहीं किया जा सकता, मतलब ये पॉसिबल नहीं है ये बताया जा रहा है। उसके बाद सेकेंड में बताया जा रहा है कि दाएँ क्लिक करें और छिपाए हाइड विकल्प चुने, कंट्रोल दबाए और F11 दबाए। इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे, माउस के राइट क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर हाइड का ऑप्शन रहेगा, वहाँ से आप लोग हाइड कर सकते हैं। उसके बाद नौ में आपको बताना है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल डिलीट दबाते हैं तो वर्तमान कर्सर स्थिति से डैश डैश को मिटाया जाता है। आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत सारे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर राम है, उसके बाद रैम है, तो यहाँ पर मेरा कर्सर है बीच वाले में, मतलब इस साइड भी टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस साइड भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर कंट्रोल डिलीट दबाएंगे तो किस साइड का टेक्स्ट डिलीट होगा ये आपको बतानी है। तो कंट्रोल डिलीट कीजिएगा तो इस साइड का जो टेक्स्ट आपका डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे और इस साइड का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है शब्द के दाएं भाग, अनुच्छेद के दाएं भाग, शब्द के बाएं भाग, अनुच्छेद के बाएं भाग, तो इसका सही आंसर आपको सी नंबर हो जाएंगे, शब्द के बाएं तरफ का जो है टेक्स्ट जो है आपका डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दस में आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में टेक्स्ट के फॉन्ट को डैश डैश के चयन के द्वारा दबाते हुए कम किया जा सकता है, इससे पहले था बढ़ाया जा सकता है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कम किया जा सकता है, वहाँ पे ग्रेटर देन था और यहाँ पे लेस देन होगा, यहाँ पे क्योंकि पूछा जा रहा है कि कम किया जा सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट डी, ऑल्ट लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन और ऑल्ट शिफ्ट लेस देन, तो इसका सही आंसर आपको सी नंबर हो जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन कीजिएगा तो कोई भी टेक्स्ट का जो है आप साइज कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 11 में आपको बताना है कि दो फोल्डर खुले हुए हैं विंडोज सिस्टम में, किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र करने का सबसे आसान उपाय क्या होगा। आपको बताना है कंप्यूटर में दो फोल्डर ओपन है, इस एक वाले फोल्डर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट है और दो वाले फोल्डर खाली है, उसमें भी कुछ है डॉक्यूमेंट, लेकिन हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाले फोल्डर से इसमें जो है ये फोल्डर जो भी है इसमें ये इसमें चला जाना चाहिए, तो ये कौन सा विधि से करेंगे ये आपको बतानी है। तो सबसे पहला ऑप्शन है फाइल को रिसाइकल बिन में स्थानांतरित करना और फिर उसे वांछित फोल्डर में अंतरित करना,
तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। सेकेंड में है फाइल को कॉपी करके वांछित फोल्डर में पेस्ट करना, ये सही आंसर है। बी नंबर वाले जो है आंसर आपको सही हो जाएंगे, कॉपी करके आप दूसरा फोल्डर में जो है पेस्ट कर सकते हैं, यही एक तरीका है और कोई भी दूसरा तरीका है नहीं जो आप लोग एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। कॉपी पेस्ट के माध्यम से ही किसी दूसरे से तीसरे फोल्डर में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बताना है कि एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्क्रीनशॉट किस तरह से लेंगे, ये आपको बतानी है। सबसे पहला ऑप्शन है F1 प्रिंट स्कैन, Alt P कंट्रोल प्रिंट स्कैन कंट्रोल P, तो इसका सही आंसर आपको सी नंबर हो जाएंगे। कीबोर्ड में देख लीजिएगा प्रिंट स्कैन का ऑप्शन रहता है, तो कंट्रोल प्रिंट स्कैन ऊपर में देख लीजिएगा तो उसको दबाएंगे तो जो है आपका स्क्रीनशॉट हो जाएंगे। आप एमएस वर्ड एमएस एक्सेल जो भी आप ओपन किए वहाँ पे आप दोबारा से जो है स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका सही आंसर आपको सी हो जाएंगे, कंट्रोल प्रिंट स्कैन। उसके बाद 13 में आपको बताना है कि एमएस एक्सेल 2016 में आकृतियों शेप्स की प्रविष्ट डैश डैश मेन्यू के जरिए की जा सकती है। आपको बताना है कि एमएस एक्सेल में शेप्स का जो ऑप्शन रहता है ये कौन सा टैब में रहता है, ये आपको बतानी है। 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो सबसे पहला ऑप्शन है इंसर्ट, फॉर्मेट, होम और व्यू, तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे। इंसर्ट में जो है शेप्स का ऑप्शन रहता है, वहाँ से आप कई सारे शेप्स ले सकते हैं। तो 15 में आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, ये क्वेश्चन पहले ही रिपीट कर दिए है पहले ही। उसके बाद 18 में आपको बताना है कि यदि आप एमएस एक्सेल सीट टैब पर डबल क्लिक करते हैं तो आप निम्न कार्य कर पाएंगे। आपको बताना है कि एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 सीट रहता है, सीट 1 और सीट 2 और सीट 3 रहता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एमएस एक्सेल में सीट पर डबल टैप करते हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहला ऑप्शन है वर्कशीट को छिपाना, वर्कशीट को नया नाम देना, न्यू वर्कशीट प्रविष्ट करना, वर्कशीट को डिलीट करना, इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे। आप कोई भी सीट पे डबल क्लिक कीजिएगा जहाँ पे सबसे नीचे में देख लीजिएगा सीट 1 सीट 2 और सीट 3 रहता है, तो सीट 1 जहाँ पे लिखा रहता है वहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिएगा तो आप उसे दूसरा नाम दे सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, सीधा समझ लीजिए उसे आप रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। ये 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे, वर्कशीट को नया नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 19 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस एक्सेल 2016 में सेल संपादित करने के प्रस्तावित तरीका में से एक नहीं है, मतलब कि एमएस एक्सेल में कोई भी कॉलम आप टेक्स्ट को टाइप की है जैसे राम के बदले रोम लिख दी है तो इसे आप चेंज करना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्ट कुंजी से चेंज नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। वैसे आप लोग F2 से भी रीनेम कर सकते हैं या उसे डबल क्लिक भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन देख लीजिए उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है डबल क्लिक करके, जी हाँ डबल क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद सिंगल क्लिक फार्मूला बार के जरिए F2 के जरिए, तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएंगे, सिंगल क्लिक करके आप रीनेम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 20 में आपको बताना है कि कंप्यूटर में डैश डैश सर्वाधिक समान डाटा इनपुट डिवाइस होता है, कि बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में जो है इनपुट का जो इकाई रहता है वो कीबोर्ड रहता है, ज़्यादातर कंप्यूटर में देख लीजिएगा कीबोर्ड ही एक साथ रहता है इनपुट डिवाइस के रूप में, ठीक है। इसका सही आंसर आपको सी हो जाएंगे, कीबोर्ड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पूछा जाए कंप्यूटर में सर्वाधिक समान डाटा इनपुट डिवाइस होता है तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है, तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएंगे और बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर में कीबोर्ड का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा।